years boy. Yeah. तो क्या कहना चाहेंगे? What is exciting you for this? मैंने सुना था फिल्म बिरयानी के बारे में, तो मैं बिरयानी का शौकीन हूँ, तो मैं पोस्टर पे भी बिरयानी है, तो मैं बस बिरयानी देख के आजकल मैं ऑलरेडी खा के आया हूँ, लेकिन लोगों ने कहा है कि ये फिल्म देखने के बाद बिरयानी खाने की बहुत तलब होगी आपको, तो मैं आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं है, ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है। ओके, ये मूवी और भी ये है, इसके बारे में कि बॉन्ड जो होता है एक ओल्ड मैन और एक यंगस्टर के साथ, सो आपकी निजी जिंदगी में आपके दादा या किसके साथ जो मेरे नाना जी के साथ बहुत गहरा संबंध था, बॉन्ड था, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत पहले जब मैं 5 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन नाना जी मुझे बहुत कहानियाँ सुनाते थे, और मैं साउथ से हूँ, तो वहाँ पे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे कॉफ़ी के बागान वगैरह होते हैं, तो घुमाने लेके चलते थे जो छुट्टियों पे जाता था, तो सब पुरानी पुरानी कहानियाँ, और फिर वो पहले शिकार पे जाते थे, तो वो शिकार की कहानियाँ सब, मैं बाइसन मारा था, ये करते थे, वो तीतर जो भी है, वैसे पता नहीं सच में किया है कि नहीं है, लेकिन कहानियाँ बहुत सुनाते थे, तो नाना जी के साथ बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मेरा। वही कुछ सर, बहुत ही जल्द आपकी मूवी आ रही है कमांडो 3, और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके रोल को लेकर, सो कितना एक्साइटेड, और क्या वो वजह थी जो आपने ये रोल को चुना? मैं कुछ ये विलन का दुकान बंद करने से पहले मैं कुछ ऐसे आउट एंड आउट कमर्शियल करना चाहता था, तो क्योंकि विलन कर करके मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे विलन विलन, और प्रमोट भी ऐसे जैसे मर्द को दर्द के टाइम पे साइकोटिक विलन करके प्रमोट किया उन्होंने, क्या करेंगे अभी देखो, तो कॉन्सेप्ट अच्छी लगी मुझे, और विपुल सर अक्सर मुझसे पूछते थे, क्योंकि कमांडो 1 की भी बात चली थी हमारी, कमांडो 2, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन 3 में मुझे लगा कि मेरे ये सही है प्रोजेक्ट मेरे लिए, एंड आई एम अ फैन ऑफ विद्युत, और कुछ ऐसा कुछ एक्साइटिंग और आउट एंड आउट कमर्शियल करना चाहता था मैं, और वो एक मौका मिला, थोड़ा बहुत फ्रीडम भी दिया उन्होंने कि आप इसको इंटरप्रेट कीजिए इस रोल को, एंड फिर लंदन घूमने का भी वो वीज़ा लगता है ना फ्री में। मुझे पर्सनली आपसे जानना चाहिए, डू यू लाइक प्लेइंग द ग्रे शेड रोल, बिकॉज पीपल आर लाइकिंग योर रोल, पर्सनली आप कितना पसंद करते हैं? आई थिंक एवरीबडी इज़ ग्रे, हम सब में खामियाँ हैं, तो वो जैसे आप कहानी में देखते हैं तो कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स की खामियों पे ज़्यादा फोकस होता है, कुछ कैरेक्टर्स के पे कम होता है, तो आई थिंक वी आर ऑल ग्रे, आई थिंक इज़ अ मोस्ट ह्यूमन कलर, हम सब का कलर ना ग्रे ही है, कोई 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 लाइट ग्रे है, कोई कोई सब मीडियम है, कोई डार्क है, तो उसमें मतलब अनगिनत शेड्स बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी मैं रोल प्ले करता हूँ, चाहे मैं अच्छे आदमी का कर रहा हूँ या फिल्म में बुरे आदमी का कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो जो ग्रे लेयर्स होते हैं ना हम सब में, उसको मैं किसी तरह से मैं बाहर लाऊं, क्योंकि दैट मेक्स द कैरेक्टर्स रिलेटेबल, तो मेरा ये मानना है। ओके, आर यू समवेयर ऑर द अदर डिसअपॉइंटेड विद द दिस विलन टैग व्हिच इज गिवन लाइक अ लिटिल बिट? यस, आई एम अ लिटिल कॉन्शियस, क्योंकि करियर के बारे में भी सोचना पड़ता है, तो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अभी देखिए कमांडो का ट्रेलर आया हुआ है, तो दिन में तो 3-4 कॉल आते ही हैं कि मतलब ये फलाना फिल्म वो गए, साउथ से भी आते हैं कि हम विलन, तो मैं चाहता हूँ मेरे अंदर, मैं नाटक 5 साल की उम्र से मैं करता रहूँ, हर किस्म का रोल किया मैंने, कॉमेडी ट्रेजेडी सब, भूत प्रेत का सब कुछ किया मैंने, नहीं भूत प्रेत का नहीं किया, तो कहने का मतलब है कि मैं समझता हूँ कि मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ, और एक डाइवर्स करियर पाथ अपने लिए मैं एक विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं मुझे बहुत खुशी है कि लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको दिल पे पत्थर रखे मना करना पड़ता है, क्योंकि आप में और क्षमता है, मैं दिखाना चाहता हूँ, और धीरे धीरे सही कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं विलन्स का, बैड गाइज, खलनायकों का रोल कुछ टाइम के लिए मैं वो दुकान बंद कर रहा हूँ, और मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। थैंक यू Big congratulations, you are already getting a huge response from the audience, also thank you. Won many awards, so thank how you. Do you feel? It's of course fantastic, because I think at the end of the day, when a film you have made wins awards, and at the same time it relates to the audience talk about it, and it connects to the audience, and it makes them want to eat biryani, it makes them want to have a lot of fun, and it makes them want to be hopeful about life, I think there's no other better feeling than that, because every filmmaker, the main reason they make a film is so an audience can relate to it, watch it on the big screen, and you know, I'm one of those old school people who still, in spite of having their mobile phones and the content there, I
still love to see it on the big screen. So on the big screen, when the audience connects with it and relates to it, and when they come out, they feel hopeful, I think there's no better feeling for a filmmaker. Okay, tell us something about the movie, the concept of our movie. So the film is basically about an 80-year-old man who runs away from home because his family is trying to do a euthanasia ritual. And on his journey, depressed, angry and everything, he meets a 8-year-old boy. Now this 8-year-old boy is extremely witty, funny and full of life and independent also. So this 8-year-old boy teaches this 80-year-old man how to live life. Jeena kaisa hai, wo sikhata. So that's the fun in it. And both the 8 and 80 are not grandfather and grandson. They're more friends. And friendship doesn't have any age. So in that sense, I think it's a journey of them. And the young boy helps him fulfill his bucket list. So that's the fun part of the film. Okay, so it has a very unique concept of this. So, a child being a friend of an 80 years old. Have you encountered with such incident in your real life? You know what, I think children don't have that filtration process. We adults, na, hum sochte hain ki kya bolna chahiye, kya nahi bolna chahiye. But then kids don't have that filtration process. Whatever they think, that's what they say. And sometimes they say the darnest things, right? And it was really funny because at Jagran, this boy was nominated as best actor. And the other nominees were Ranveer Singh, Vicky Kaushal and Ayushman Khurana. And this boy actually won, and Manoj Bajpai sir gave him the award, and he says thank you very much. And then when he came off stage, I asked him, do you know what a big deal this is? And the boy says, what ma'am, he's from Madurai, he's from the south, and he says, what ma'am, I don't know who they are. I wish I had won against Vijay or Ajit from down south. Usko, he doesn't know who they are. That's the innocence of the child, you know. Whereas an adult would have thought ki, oh, it's not appropriate to say it. Whereas well, child mein, that is the innocence of it. So as far as old man, I think I've seen my grandfather, and in this character there's a lot of characteristics about my grandfather, which is basically that, you know, he was full of life always. Even when he was 94, he wanted to travel, you know, itna gali dega cricket dekke, matches dekke, you know, that was the kind of full of life person he was. So there are similarities, but then I think it's come out in such a way that the chemistry between the old man and the boy has just turned out fantastic, which makes you believe in the film. Okay, after KD, what's next? Any upcoming project in your mind or any subject? Well, I think we are already in discussion about doing KD in Hindi. So that's a remake of the film. And I'm also in the process of writing an action film and action drama, which is about the interpersonal relationship between two people in the background of war. So that's what's coming up next. Thank you. Thank you. Best of luck.